फ्रेंड्स, मेरे 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए पटना इंस्टेंट के आज, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत प्यार, ऐसे ही मुझे प्यार देते रहे, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ आपको आकाशवाणी पटना मेट्रो का अपडेट देने के लिए, जो कि पड़ता है सेंट्रो मॉल के थोड़ा आगे जाते हैं तो रेडियो स्टेशन की तरफ ये पड़ता है, आकाशवाणी का रेलवे स्टेशन जो पटना मेट्रो स्टेशन है उसका मैं अपडेट देने इस व्लॉग में आ गया हूँ। बने रहिए अंत तक व्लॉग में, काफ़ी इंपॉर्टेंट। थैंक यू गाइस, मैं हूँ सौरभ, अपने चैनल पटना स्टेशन पर मैं आ गया हूँ आकाशवाणी स्टेशन का जो है अपडेट देने, मेट्रो स्टेशन का अपडेट देने, तो बने रहिए अंत तक व्लॉग में। और बताइए, तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं आकाशवाणी मेट्रो स्टेशन के पास, जो कि यहाँ पर आकाशवाणी मेट्रो स्टेशन बन रहा है। अगर आप सेंट्रो मॉल की तरफ से जाएंगे तो ये पूरा रास्ता जो है पूरा मेट्रो से घेर दिया है, आपको लगेगा कि आप किसी मेट्रो स्पेशल एरिया में आ गए हैं। हालांकि स्टेशन काफ़ी बड़ा बन रहा है, 3 फ्लोर का स्टेशन सुनने में आ रहा है कि बनने वाला है, जो कि अंडरग्राउंड रहेगा। गाइस, यहाँ 2 स्टेशन बन रहा है अगल बगल, जो कि 600 मीटर के डिफरेंस में बनेगा। तो इस ब्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ब्लॉग को आप अंत तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, थैंक यू सो मच। अगर आप इस एरिया में आते हैं तो आपको लगेगा सिर्फ मेट्रो का ही काम चल रहा है, हर जगह मेट्रो से घेर दिया गया है और इस एरिया को मेट्रो एरिया घोषित कर दिया जाए नाम, तो वो ज़्यादा बेटर है। गाइस, यहाँ मेट्रो का काम सबसे स्पीड में चल रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेट्रो का काम जो है दोनों तरफ से घेर दिया गया है, और एक तरफ से जो लेफ्ट साइड में जो घेरा गया है वो मेट्रो का जो मिट्टी निकलता है उसके लिए घेरा गया है, कि जो भी वहाँ के सॉयल, जो भी मिट्टी निकलते हैं बहुत बड़े ह्यूज क्वांटिटी में निकलते हैं, तो उसको रखने के लिए, उसको एक जगह रखने के लिए उसको यूज़ किया जा रहा है। और दाहिने साइड जो मशीन्स लगे हुए हैं उसमें मेट्रो का जो अंडरग्राउंड स्टेशन है वो बनने के लिए यूज़ किया जा रहा है। गाइज़, यहाँ का जो आकाशवाणी स्टेशन है ये काफ़ी बड़ा स्टेशन बन रहा है, समझिए कि अगर सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट स्टेशन पटना का रहेगा। पटना में लगभग 17 स्टेशन मेट्रो के बनने वाले हैं, और जिसमें कि आपके जो अंडरग्राउंड स्टेशन रहेंगे वो लगभग 9 रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर सूत्रों की माने तो मेट्रो स्टेशन पटना का लमसम 2 से 3 साल में तैयार हो जाएगा, पूरी तरह तैयार होकर बन जाएगा, और जो भी स्टेशन हैं हमारे तैयार होकर बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले व्लॉग में आपको पटना जंक्शन के जो नज़दीक वाला मेट्रो स्टेशन है उसका अपडेट दिया था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको रेडियो स्टेशन जो आकाशवाणी स्टेशन बन रहा है उसका भी अपडेट दे दूं। आप देख सकते हैं इस एरिया में कितने बड़े पैमाने पे काम चल रहा है, कितने लेबर्स हैं, कितने यहाँ पे जो काम करने वाले लेबर्स हैं वो लगे हुए हैं काम में। यहाँ का जो मेट्रो का प्रोजेक्ट है काफ़ी बड़ा है फ्रेजर रोड का, अगर आप कभी इस साइड आते हैं तो गाइस आप खुद देखिएगा कितना बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। फ्रेंड्स, अगर ये छोटा सा अपडेट आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, थैंक यू सो मच, टेक केयर। आकाशवाणी मेट्रो स्टेशन का अपडेट जो काफ़ी बनकर तैयार हो गया है, और यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है काफ़ी स्पीड में है, पूरे पटना में कहा जाए तो यहाँ कंस्ट्रक्शन सबसे स्पीड में है, तो मेट्रो का सौगात बहुत जल्द मिलने वाला है। गाइस, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।